Hello friends, welcome to Anraajaal Academy. Today we will study history of class 9th. In this video, we will cover chapter number 4, Forest Society and Colonialism, ka part 2, The Rise of Commercial Forestry. Sabse pehle, we should study about commercial forestry. So the literal meaning of commercial forestry is when we plan the forestry. Isme natural forest ko cut karke naye ped lagaye jate hain. For example, the planting of trees for production of pulp or paper or any commercial product. Is tarah ki forestry ka idea Britishers ko aaya tha. Lekin phir bhi unhone socha ki kisi expert ki salah leni chahiye. Tab unhone Dietrich Brandis se salah leni ki sochi. Dietrich Brandis जो कि एक जर्मन एक्सपर्ट थे, ब्रिटिशर्स ने इन्हें इंडिया बुलाया और सलाह मांगी। बाद में ब्रांडिस को इंडिया का फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। ब्रांडिस ने इंडियन फॉरेस्ट के साथ कई एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले तो ये इंडिया में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लेकर आए, जिसमें बहुत सारे नेचुरल फॉरेस्ट को कट किया जाता है और नए एक तरह के पेड़ लगाए जाते हैं। उन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट का वर्किंग प्लान बनाया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ध्यान रखता था कि इन पेड़ों को कोई काटे ना। इसके बाद उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया। 1864 में उन्होंने इंडिया में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज इंट्रोड्यूस कराई और 1865 में फॉरेस्ट एक्ट लेकर आए। इस एक्ट की दो बार अमेंडमेंट भी की गई थी, एक बार 1878 में और दूसरी बार 1927 में। ब्रांडिस ने 1906 में एक फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट सेटअप कराया जो देहरादून में है और इस इंस्टीट्यूट का नाम है द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट एक्ट ने फॉरेस्ट को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला था रिजर्व्ड फॉरेस्ट, सेकंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट, जिसकी वजह से विलेजेस की लाइफ में काफी चेंजेस आए। हंटिंग और गैदरिंग, जिसके बेस पर उनका घर चलता था, वो बैन कर दिया गया। विलेजेस और ब्रिटिशर्स के व्यूज काफी डिफरेंट थे फॉरेस्ट को लेकर। इस फॉरेस्ट एक्ट की वजह से विलेजेस की लाइफ में काफी चेंजेस आए। विलेजेस और ब्रिटिशर्स के व्यूज फॉरेस्ट को लेकर काफी डिफरेंट थे। विलेजेस समझते थे कि गुड फॉरेस्ट वो होता है जहां सारे जीव जंतु इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं। विलेजेस ये भी चाहते थे कि फॉरेस्ट सभी लोग यूज कर सकें, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उन्हें ऐसे ट्रीज मिले जिससे प्रोडक्टिविटी हो, जैसे जिसकी वजह से घर वगैरह बन सके, और इसी वजह से उन्होंने विलेजेस को फॉरेस्ट में बैन कर दिया था। जो कोई भी रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जाता, उन्हें पनिश किया जाता। इस तरह से ब्रिटिशर्स सभी चीजों पर कंट्रोल करना चाहते थे। इस फॉरेस्ट रूल का कल्टीवेशन पर काफी इफेक्ट पड़ा, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन कर दिया गया। लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। कुछ लोगों ने वहीं पर अपना ऑक्यूपेशन बंद कर दिया और रिबेल में लग गए, और जो लोग वहां रह रहे थे उन्हें छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर ली ताकि उनका घर चल सके, और कुछ लोग टी प्लांटेशन में लग गए। कॉमन विलेजर्स के लिए तो हंटिंग बैन थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो हंटिंग कर सकते थे, जैसे हाई ऑफिशियल्स या फिर ब्रिटिश एम्प्लॉयज या वो एम्परर्स जिनका उस टाइम पे राज होता था और वो ब्रिटिशर्स के अंडर ही होते थे। इन सब के बैन हो जाने के बाद बढ़ा ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत सी कम्युनिटीज ने जब अपनी जॉब छोड़ दी, तब उन्होंने ट्रेडिंग का काम करना शुरू कर दिया, और कुछ लोगों ने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर लिया। जो ट्रेडिंग करते थे उनकी सारी जानकारी ब्रिटिशर्स के पास होती थी। इस वजह से हम ये कह सकते हैं दैट न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन टू इम्प्रूव वेल बींग ऑफ द पीपल। Thank you. For more videos, subscribe to the channel Anraajaal Academy.